पे, which is Priya Legal. तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही वो अदरवाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है जनरल नॉलेज के हिसाब से क्योंकि अभी जो रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू है उसमें आपने एक टम बहुत बार सुनी होंगी दैट इज यूनाइटेड नेशंस इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में वोट नहीं किया तो क्या है बेसिकली यूनाइटेड नेशंस क्यों आया यूनाइटेड नेशंस क्या फंक्शन करता है यूनाइटेड नेशंस तो ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में देखेंगे पर यूनाइटेड नेशंस को समझने से पहले हमें देखना होगा लीग ऑफ नेशंस को बिकॉज ड्यू टू बिग फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस यूनाइटेड नेशंस केम इन टू अ पिक्चर तो लीग ऑफ नेशन क्या था किसने सजेस्ट किया लीग ऑफ नेशन के लिए तो फोर्टीन पॉइंट प्रोग्राम दिया था अमेरिकन प्रेसिडेंट विड्रोम विल्सन ने जिसमें उन्होंने लीग ऑफ नेशन की कंसेप्ट दी थी और ये दिया था उन्होंने एथ ऑफ जैन नाइनटीन एटीन में और लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश हुआ टेंथ ऑफ जन 1920 मतलब दो साल बाद आया लीग ऑफ नेशन तो लीग ऑफ नेशन का जो हेडक्वार्टर था दैट वाज इन और ऑर्गन्स थे लीग ऑफ नेशन के फर्स्ट वन इज असेंबली सेकेंड वन इज काउंसिल एंड थर्ड वन इज सेक्रेटेरिएट तो ये तीन ऑर्गन्स कैसे फंक्शन करते थे कितने मेंबर्स होते थे इनके क्या क्या चीजें और इन्वॉल्व थी इसमें ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस में अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि थ्री ऑर्गन्स थे लीग ऑफ नेशन के यह हो गया लीग ऑफ नेशन के जनरल जनरल इन्फॉर्मेशन इसके बाद लीग ऑफ नेशन आया क्यों था क्या मेन पर्पज था लीग ऑफ नेशन का तो लीग ऑफ नेशन आने से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था जिसमें लोग काफी हद तक सफर कर चुके थे फाइनेंशियल इश्यूज थे बहुत सारी कंट्रीज को बहुत सारे लॉसेस हो चुके थे तो लोग अभी नहीं चाहते थे और एक वर्ल्ड वॉर तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए आया था लीग ऑफ नेशंस तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो इसीलिए लाया गया था लीग ऑफ नेशंस को इसके अलावा जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे इश्यूज थे हेल्थ इश्यूज थे लोगों के आर्म कन्फ्लिक्ट से ये सारी चीजें प्रिवेंट करना भी पर्पज था लीग ऑफ नेशन का देन वाई इट गेट्स फेल फेल क्यों हुआ लीग ऑफ नेशन तो यूएसए जैसी जो मेजर कंट्रीज थी जो उस टाइम पे भी थी अभी भी मेजर कंट्रीज है मेजर पावर है तो ये कंट्री पार्ट नहीं बन पाई लीग ऑफ नेशन का तो ऑब्वियसली मेजर कंट्रीज नहीं थी तो उसमें इतना सॉलिडारिटी नहीं थी कि मतलब वो आगे कंटिन्यू हो पाए इसके अलावा ब्रिटेन फ्रांस जैसी जो बड़ी कंट्रीज थी वो लीग ऑफ नेशन को यूज कर रही थी खुद के पर्सनल एजेंडाज के लिए खुद के कंट्रीज के बेनिफिट के लिए उसके बाद इटली जापान कंट्रीज uh, ने जब अग्रेसिवली अग्रेसिवलीक्ट किया तभी भी लीग ऑफ नेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया जबकि लीग ऑफ नेशन का मेन पर्पस था पीस मेंटेन करना पर फिर भी लीग ऑफ नेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया इसके बावजूद उनका एक एजेंडा uh, था दैट इज यूनानिमस डिसीजन सारी कंट्रीज का यूनानिमस डिसीजन होना पॉसिबल नहीं है आपको पता है तो इसमें भी काफी सारे कंफ्लिक्ट होते थे उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर जो था वो भी प्रॉपर नहीं किया था लीग ऑफ नेशन ने और सबसे बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर टू ब्रोकआउट वर्ल्ड वॉर टू हो गया था लीग ऑफ नेशन के होते हुए भी जो कि जिसके लिए मेन लीग ऑफ नेशन को एस्टेब्लिश कर दिया किया था वही चीज हो गई थी सो इसीलिए लीग ऑफ नेशन फेल हो गया इट गेट डिजोल्व ऑन ट्वेंटी अप्रैल 1946 पर लीग ऑफ नेशन डिजोल्व होने से पहले ही आ गया था यूनाइटेड नेशंस इट केम इन टू ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको डेट्स याद रखनी है और ये चीज जरूर याद रखना कि लीग ऑफ नेशन डिजोल्व होने से पहले ही यूनाइटेड नेशंस आ चुका था तो बेसिकली वन नाइनटी थ्री स्टेट्स मेंबर है यूनाइटेड नेशन्स की उनकी सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें फ्रेंच रशियन अरेबिक ये सारी लैंग्वेज इन्वॉल्व है उसके बावजूद इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और ये कैसे फंक्शन करता है इसके कितने ऑर्गन से ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे अभी आपने सुना होगा यूक्रेन ने जो भी अभी लड़ाई हो रही है उसमें उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है मतलब केस फाइल किया है सॉरी नॉट एप्लीकेशन केस फाइल किया है तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस क्या uh, कैसे फंक्शन करता है ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज प्रिया लीगल थैंक यू